A traveler without observation is a bird without wings. नमस्कार दोस्तों, एरिन सादी की इस कोट के साथ शुरुआत करती हूँ मैं अपने शो के आज के इस एपिसोड की। थ्रू आउट मेरी जॉब में एक कॉमन एस्पेक्ट रहा, वो था कि कभी भी जॉब मैंने अपने घर के आसपास नहीं की। रेडियो स्टेशन, न्यूज़पेपर ऑफिस, ये तो दूर थे ही। जब पहली टीचिंग जॉब की एसटी कॉलेज महिला महाविद्यालय आंसी में, तो वो भी 25 किलोमीटर दूर था। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा नहीं था, तो बड़ा डिफ़िकल्ट था वहाँ पर जाना। इसके बाद जब चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा ज्वाइन किया, हिसार से सिरसा 90 किलोमीटर। लेकिन छोटे शहरों में बस में ट्रैवल करने के बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस रहे। अचानक कोई पुराने क्लासमेट्स मिल जाते बस में, या आसपास के गांव के लोगों के लोकल डायलेक्ट्स में कन्वर्सेशन, मुझे ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता था, एंजॉय करती थी मैं। सोशल मीडिया जो नहीं था, तो मोबाइल में इतना उलझना नहीं होता था। शादी के 2-3 साल बाद जब हम होम टाउन हिसार से गुड़गांव शिफ्ट हो गए, तो एक बड़ा चेंज था गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की जॉब छोड़कर प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करना। और उसमें भी सबसे बड़ा स्ट्रगल था गुड़गांव से दिल्ली 2 बस बदल कर जाना। घर से बस स्टैंड, बस से महिपालपुर, वहाँ से दूसरी बस लेकर वसंत कुंज अपने कॉलेज तक। सो 25 किलोमीटर का वन साइड ट्रैवल अपने आप में एक चैलेंज था। प्राइवेट कॉलेज में लंबे वर्किंग आवर्स, दिल्ली की सड़कें, सवारियों से लदालद भरी DTC की बसें। अच्छा, उस समय पर गुड़गांव में मेट्रो नहीं थी। सो एनीवे, कुछ समय तो ऐसे ही निकला। इसी दौरान मैंने दिन रात मेहनत करके अपने PhD की थीसिस सबमिट कर ली। अपने भाग्य, कर्म या बड़ों का आशीर्वाद कहिए कि सही समय पर PhD की और उसके बाद 2 जुड़वां बेटों की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बेटे जब 2 वर्ष के हुए, तो 2012 में मैंने फिर से कॉलेज ज्वाइन कर लिया। अब शुरू हुआ मेट्रो का सफ़र। घर से मेट्रो स्टेशन 8 किलोमीटर ऑटो से, 20 मिनट मेट्रो की यात्रा और फिर 4 किलोमीटर ऑटो या बस से कॉलेज तक। मेट्रो का सफ़र बड़ा इंटरेस्टिंग था। विमेन कोच में स्कूल कॉलेज जाते स्टूडेंट्स के किस्से, जनरल कोच में मिड एज ऑफिस गोअर्स के पॉलिटिकल स्टैंड, मेरे हाथ में किताब देखकर साथ बैठी सवारी के सवाल। सो उन दिनों मेट्रो में मैंने बहुत किताबें पढ़ी। लेकिन जब बेटे स्कूल जाने लगे, तो उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए मैं ही जाती थी, तो मैंने कार लेकर जाना शुरू कर दिया। NCR की सड़कों पर कार चलाकर इतनी गर्व की फीलिंग आई कि बस मुझे इतना मज़ा आता था कि मेट्रो सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में मैं गाड़ी चला पा रही हूँ। और इसी दौरान, इसी ड्राइविंग से मुझे आत्मनिर्भरता में बड़ा कॉन्फिडेंस मिला। इस दौरान एक और बड़ा चेंज आया कि हस्बैंड लंबे समय के लिए विदेश चले गए अपने काम के सिलसिले में। फिर कुछ महीनों बाद मैं भी बच्चों के साथ वहाँ चली गई। सो अपनी विदेश यात्रा के अनुभव और उस टाइम पर जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुए, उनकी बात करूंगी मैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। इधर महामारी की खबरें, उधर है युद्धो संहार, कहीं संबंधों की धड़कन, नकाबों का चढ़ा बाजार। इस अंधेरे युग की परतें आज हटाने आई हूँ मैं। किरण हूँ उम्मीदों की, दिया जलाने आई हूँ मैं। हूँ एक प्रोफेसर, रिसर्चर और ब्रॉडकास्टर। चाहती हूँ समानता हो जहाँ में, ना कोई भेद हो वर्ण में, धर्म में, न लिंग में। बातें होंगी आप सबसे नई, कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब?